इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL शेयर के बारे में। लेवल्स देखेंगे यहाँ पे, अगर गिरावट यहाँ पे और होता है तो सपोर्ट क्या बन रहा है। और आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो 0.84% का गिरावट अभी तक देखने को मिल गया है। जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे 12 बजे के बाद तक यहाँ पे कुछ इतना गिरावट जो है देखने को मिला है। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था स्टॉक के बारे में, जो कि 3000 के नीचे आपको मिलता है तभी आप सोचिएगा बाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे 3000 के ऊपर भी बाई कर लिया होगा अगर देखा जाए तो, मतलब कह सकते हो जल्दीबाजी करके। तो कहीं ना कहीं अभी वो लॉस में होंगे, थोड़ा सा गिरावट में होंगे। बट मैंने आपको ये भी चीज़ बताया हुआ था कि अगर हम बात करें कोई भी स्टॉक हो और HAL की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 6 महीने का डाटा आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जब भी तेज़ी आया है हमें, जब भी तेज़ी थोड़ा देखने को मिला है, सब कह सकते हो थोड़ा हमें डिप देखने को मिला है, थोड़ा डाउन देखने को मिला है, फिर तेज़ी आया, फिर थोड़ा डाउन देखने को मिला है, फिर तेज़ी आया, फिर थोड़ा, मतलब कह सकते हो ऐसे करके। तो फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला था, 3000 के लेवल को ब्रेक किया, 3050 से भी ऊपर गया, हाई लगाया कह सकते हो यहाँ पे, 3079 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद फिर से कह सकते हो अभी टाइम में 2996 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डॉट चुका है अगर देखा जाए तो। अभी के टाइम में थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैंने आपको ये भी बात बोला हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर स्टॉक लगातार दौड़ रहा हो, जब तक वो स्टेबल कंडीशन में कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है तब तक एंट्री करना भी कह सकते हो थोड़ा सा रिस्की वाला जोन होता है। बट अगर हम बात करें डिफेंस स्टॉक के बारे में, जो कि इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी अपना काम को काफ़ी स्टॉक, मतलब काम कंपनी फैला रहा है। जैसे आपको पता है कि नए नए यहाँ पे कह सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ओपन होते हुए दिख रहा है, टेस्टिंग फैसिलिटी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मतलब अपने काम को कंपनी एक्सपेंड कर रहा है अगर हम टोटल बात करें यहाँ पे जो भी है। और फिलहाल दोस्तों एक टारगेट निकल के आ रहा है, उसके भी अगर हम बात करेंगे, कुछ एनालिस्ट कह सकते हो, कुछ ब्रोकर जो भी हैं देखने वाले हैं न्यूज़ के, उनमें हम क्या जो भी देखने को मिल रहा है। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या टारगेट निकल के आ रहा है उसके ऊपर और लेवल क्या बन रहा है जिस पे आप ध्यान दीजिएगा अगर और गिरावट हमें देखने को मिलता है तो। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन अभी तक अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो अभी तक तो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है लगातार। और फिलहाल अभी तक अगर हम बात करेंगे यानी आज के दिन कितना परसेंटेज का बाइंग हमें देखने को मिला है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 12 जनवरी यानी आज के दिन अभी तक तो 60% से भी ऊपर का डिलीवरी माल उठाया जा चुका है, इतना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है जिसमें से 4,48,000 क्वांटिटी से ऊपर ट्रेड हुआ है, 2,84,000 माल उठाया गया है डिलीवरी में। और अभी मतलब 60% से भी ऊपर, देखते हैं शाम तक हमें क्या देखने में मिलता है। अभी मार्केट ओपन है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर। बात करेंगे थोड़ा इंडेक्सेस के ऊपर यानी थोड़ा मार्केट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। मार्केट में देखेंगे बैंक निफ्टी में 0.47% की तेज़ी है और ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक, मतलब कह सकते हो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ा गिरावट हुआ, प्रीवियस क्लोज को टच किया, उसके बाद फिर से तेज़ी हमें देखने को मिला और अभी के टाइम में फिर से थोड़ा सा कह सकते हो डगमगाते हुए नज़र आ रहा है हमें बैंक निफ्टी अभी तक। और अभी तक निफ्टी फिफ्टी में अगर हम बात करें 0.85% की तेज़ी में अभी तक है अगर देखा जाए तो, 0.4485% जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर, तो रॉकेट बनेगा यहाँ पे डिफेंस PSU स्टॉक, वो एक साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दिया। और फिर अगर हम बात करेंगे तो रिटर्न के बाद कह सकते हो कि कराया कमाई किया। और फिलहाल नोट करें यहाँ पे UBS का नया टारगेट, UBS की तरफ से टारगेट निकल के आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे क्या टारगेट निकल के आ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है डिफेंस स्टॉक, अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर का दिग्गज शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शुक्रवार 5 जनवरी को 6% से भी ज़ोरदार तेज़ी के साथ एक बार फिर से कह सकते हो 52 वीक के हाई पर पहुँचा। बीते एक साल में इस शेयर ने निवेशकों को 130% से भी पकड़ कह सकते हो रिटर्न यहाँ पे दिया जाए। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2024 में यह स्टॉक नई रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। HAL की दमदार कह सकते हो ऑर्डर बुक को देखते हुए काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। ग्लोबल ब्रोकरेज, यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज की तरफ से UBS ने कह सकते हो ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने HAL पर बाई की रेटिंग दिया। साथ में अगर हम बात करेंगे साथ कवरेज की शुरुआत की और यहाँ पे देखेंगे आप HAL का स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करेंगे HAL 3600 का भाव करेगा टच आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ टारगेट निकल के आ रहा है ग्लोबल ब्रोकरेज UBS, अब देखेंगे UBS ने HAL को बाई की सलाह दी, साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 3600 रुपये रखा अब देखेंगे यहाँ पे। 3600 का टारगेट दिया है UBS ने आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो 4 जनवरी 2024 को शाम अब देखेंगे यहाँ पे भाव 2904 पर बंद हुआ। और यहाँ पे इस तरह से डिफेंस PSU स्टॉक आगे करीब 24% का तगड़ा रिटर्न दे सकता है। बीते एक साल में यह शेयर 130% से ऊपर रिटर्न दे चुका है और बीते 6 महीने में स्टॉक यहाँ पे 60% से भी ज़्यादा का तेज़ी दिखा चुका है।
और अगर हम बात करेंगे तो UBS का टारगेट क्या है, 3600 का टारगेट है। आप क्या टारगेट दे रहे हो इस स्टॉक को नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कितना ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है स्टॉक के ऊपर, मेरा क्या लेवल बन रहा है उसके ऊपर भी हम बताएंगे मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। UBS का कहना है कि कंपनी को मिलिट्री विमानों का और भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। आप देखेंगे यहाँ पे और भी ऑर्डर मिलने का उम्मीद निकल के आ रहा है दोस्तों। आप देखेंगे कंपनी की मिलिट्री कहेंगे एयरक्राफ्ट में मोनोपोली है, HAL का तेज क्षमता कह सकते हो निर्माण पॉली पशु, और यहाँ पे कहेंगे मजबूत घरेलू सप्लाई चेन है। कंपनी ने तेजस कह सकते हो MK-1A लड़ाकू विमान निर्माण क्षमता आप देख सकते हो यहाँ पे सलाह 8 से बढ़ाकर 16 किया है सालाना। आप देखेंगे यहाँ पे सालाना 24 लड़ाकू विमान निर्माण करने के का लक्ष्य है, और HAL की ओर से डिजाइन किए गए विमान को भारतीय सेना की स्वीकृत बढ़ी है। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की खुद के डिज़ाइन है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैनुफैक्चरिंग से EPS और ROE में बढ़ते रहेगा जो हुए। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे ग्लोबल ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी 5 लाख करोड़ के रक्षा विमान ऑर्डर से ज़्यादा फायदा मिलेगा इस ऑर्डर का, FY24 तक फ़ायदा निकलेगा और नए ऑर्डर के कंपनी आया। आप देखेंगे यहाँ पे नए ऑर्डर से कंपनी के आय में 16% बढ़त की उम्मीद है। ऑर्डर बुक FY26 तक 3 गुना होने की उम्मीद है। ऑर्डर बुक अगर हम बात करें FY26 तक 3 गुना होने की उम्मीद है ऑर्डर बुक यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे 80,000 करोड़ से बढ़कर 2.4 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। तो ऑर्डर बुक का यहाँ पे 80,000 करोड़ से बढ़कर कह सकते हो 2.4 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। और वैल्यूएशन और टारगेट की बात करें तो UBS का अनुमान है कि FY23-26 EI 16% मुनाफा, 18% ROE और 20% जो भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे रह सकता है, और नई ऑर्डर से कंपनी के आय में 16% की बढ़त की उम्मीद है। तो ये कुछ निकल के आ रहा है दोस्तों अगर हम बात करेंगे, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कुछ UBS की तरफ से टारगेट निकल गया है डिफेंस सेक्टर स्टॉक जो कि HAL के बारे में अगर हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में आप क्या टारगेट दे रहे हो स्टॉक को नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं लेवल क्या बन रहा है, अगर आपको और गिरावट देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दे सकते हो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी स्टॉक हो मार्केट में अगर वहाँ पे कंपनी ऐसा कुछ काम कर रहा है जो कि आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ दिख रहा है उस सेक्टर में, तो कह सकते हो वो काफ़ी बड़ा एक मौका होता है, काफ़ी अच्छा कह सकते हो बाई करने का। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो कोई भी स्टॉक में कभी बाई नहीं किया जाता है, उसमें टाइम होता है, कुछ ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं कुछ अगर हम बात करेंगे। तो 3,000 के नीचे तो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ था कि 3,000 के नीचे मिले तो आप सोच सकते हो बाई करने के लिए या फिर जो भी करें, तो काफ़ी सारे लोगों ने अभी बाई भी किया होगा अगर देखा जाए तो, और 3,000 के नीचे काफ़ी लोगों ने बोला था बाई करने के लिए। अभी के टाइम में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन आपको दिखता है तो आराम से सोच सकते हो, और यहाँ पे कुछ दिन तक स्टेबल आपको दिखता है तो आराम से सोच सकते हो। फिलहाल अगर हम 3,000 के नीचे तो अभी मिल रहा है, बट जो पहले मैंने बताया कि अगर ज़बरदस्त किसी स्टॉक में 1-2 दिन में अगर ज़बरदस्त तेजी होता है तो थोड़ा थोड़ा ग्राउंड भी हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। एकदम ज़बरदस्त तेजी आया, 3,050 से भी ऊपर का लेवल ब्रेक किया, और अभी के टाइम में थोड़ा थोड़ा कह सकते हो डाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मौका हो सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी ग्रोथ होने का चांसेस आने वाले टाइम में, और कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है, इंडिया मिलिट्री सिस्टम भी एक्सपोर्ट कर रहा है अलग अदर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो, मैंने वो भी न्यूज़ बताया हुआ था आपको, जो कि अगर आप कमेंट करते हो तो सारी न्यूज़ को मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। स्पेशली एक महीने में जितना न्यूज़ निकल के आया है दिसंबर के मंथ में और जनवरी के मंथ में काफ़ी सारे न्यूज़ निकल के आया है। बात कर लेते हैं लेवल्स क्या बन रहा है और जो भी करना है अपने रिस्क पर, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। लेवल्स की अगर हम बात करेंगे सबसे पहला डाउन साइड में अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है और तो कौन लेवल आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला हमारा लेवल कुछ इतना का लेवल रहेगा जो कि आप देखेंगे यहाँ पे 2985 का लेवल एक है जिस पर आप ध्यान दे सकते हो। अगर गिरावट अगर आपको और देखने को मिलता है तो ये वाला लेवल आप ध्यान दीजिएगा 2985 का लेवल, एक छोटा सा कह सकते हो एक सपोर्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 2985 के आसपास। आज अगर मान लीजिए इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने में मिल जाता है तो कह सकते हो कि लास्ट में कुछ ये लेवल रहेगा 2964 का लेवल। इधर का सबसे बड़ा सपोर्ट हमें यहीं देखने में मिल रहा है, इस देखेंगे इधर का सबसे बड़ा यहाँ पे यहीं सपोर्ट देखने में मिल रहा है। तो 2985 के तो अभी 2995 चल रहा है, 10 पॉइंट का ही नीचे सपोर्ट है जो मैंने आपको अभी दिया है ये वाला फर्स्ट सपोर्ट। इसको अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डाउन साइड में लेवल जो है नेक्स्ट क्या बन रहा है वो है 2964 का लेवल, जो कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर का सबसे बड़ा सपोर्ट यहीं एक दिखने को मिल रहा है, उसके बाद एक गैप अप जो है यहाँ पे दिखने को मिला था, तो उसके बाद नीचे का ये लेवल हमें दिखने को मिलेगा जो भी हम देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट में। बाकी ये कुछ दो लेवल है जो कि आप ध्यान रखिए इसको अगर यहाँ पे गिरावट देखने में मिलता है तो, और आने वाले टाइम में अगर हम बात करेंगे तो और भी काफ़ी सारे लेवल्स यहाँ पे बन रहे हैं सपोर्ट में, जैसे कि 2897 का लेवल है, 2900 का लेवल यहाँ पे 2900 का लेवल एक है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको ब्रेक भी करता है तो 2900 का भी एक लेवल है जो आने वाले टाइम में आप ध्यान दे सकते हो। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज का देखेंगे हमें शाम तक क्या देखने को मिलता है, और अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा, हमारे चैनल पे आपको शाम तक वीडियो आ जाएगा।
मार्केट क्लोज होने के बाद। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा। और आपका क्या कहना है, आप क्या टारगेट दे रहे हो अगर HL शेयर की अगर हम बात करेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए कुछ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़ की सलाह लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।